हेलो फ्रेंड्स, आपका हेल्दी रेसिपीज़ में स्वागत है। आज हम चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक गिलास में पानी लेंगे। थोड़ा ये गर्म पानी है, थोड़ा सा गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। इसमें हम 3 चम्मच चीनी डालेंगे, 3 टेबलस्पून्स। और इसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच ईस्ट डालेंगे, ताकि अब ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। इसके लिए हम इसको 10 मिनट छोड़ेंगे। एक टीस्पून ईस्ट डालनी है और इसको मिक्स कर देना है, और इसको अब एक्टिवेट होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस पे बबल्स आ जाएंगे तो समझ जाओ ये एक्टिवेट हो गया है। अब हम एक बाउल में 2 कप आटा, 2 कप आटा और 1/2 कप मैदा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, एक पिंच मीठा सोडा, और इसका अब गुनगुने पानी से हमने आटा गूंदना है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लिए हैं और हमारा ईस्ट भी एक्टिवेट हो गया है। ये देखो, अब हमें ये सारा ईस्ट इसमें डाल के गर्म पानी के, थोड़ा गुनगुने पानी के साथ हमने आटा गूंद लेना है। अब हमने ये थोड़ा सा गूंद लिया है, अब हम इसको एक प्लेटफॉर्म पे लेंगे नीचे, और इसमें 1/2 कप तेल हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है बॉईल करके। आप चाहो तो रिफाइंड या कोई और तेल का भी यूज़ कर सकते हो। और इसको अच्छे से नीट करना है, गूंदना है हमें, थोड़ा थोड़ा डालते रहना है और इसको ऐसे ऐसे करके गूंदते रहना है, और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। अब हमारा ये सॉफ्ट डो बनके तैयार हो गया है और हमारा इतना तेल बच गया है, तो हम थोड़ा सा तेल इसमें डालेंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे, इसको हम सारी तरफ से ग्रीस कर लेंगे और अपने हाथों पे भी लगा के। अब इसको हम 2 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे फूलने के लिए। अब आटे को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो ये पूरा फर्मेंट हो गया है, डबल साइज में हो गया। ये देखिए, अब इसको शेल्फ पे लेके इसके हम एक बड़ी और एक छोटी, बाकी की हम इसी में कवर करके रख देंगे। इसको हम बेल लेंगे। ये थोड़ी छोटी बेलनी है। इसको अब हम फोक से पिक करेंगे ताकि ये फूले ना,
और इसको तवे पे हल्का से सेक लेंगे। तवा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम इसको हल्के से सेक लेंगे, दोनों साइड से सेकना है। बस इतना ही, इसको हल्का सा सेक के हम रख लेंगे साइड पे। अब हम इस पे मेज फ्लावर लगा के इसको हम थोड़ा बेल लेंगे। ये हम इतनी बेलेंगे जितनी हमारा पिज़्ज़ा की प्लेट है उसके हिसाब से। अब इसको भी हम प्रिक कर लेंगे। अब ये चीज़ साइड साइड्स थोड़ी सी मोटी करनी है और बीच में पतला करना है। अब हम इसको ग्रीस कर लेंगे। और इसके अंदर इसको ये, अब इसमें हम स्प्रेड लगाएंगे, चीज स्प्रेड। अब इसमें चीज स्प्रेड लग गया है, अब इसके ऊपर हम ये वाली जो रोटी हमने बना के रखी थी इसको करेंगे और इसको टक कर देंगे पूरा, सब तरफ से प्रॉपर फोल्ड ताकि बाहर ना निकले। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये इस पे हमने सॉस लगा ली है और हमने तंदूर को भी प्री हीट करने लगा दिया है। आज हम ये तंदूर पे बना रहे हैं, आप चाहे तो ओटीजी पे बनाएं, गैस पे बनाएं। और इस पे अब हम चीज़ डालेंगे। चीज़ आपकी इच्छा है, जितना भी आप डालना चाहो। चीज़ बस्ट है बट चीज़ तो ज़्यादा ही जाएगा। अब इसके ऊपर हम टॉपिंग्स डालेंगे। हमने टॉपिंग्स को छोटा छोटा काट के रखा है, आप चाहें तो बड़ा भी काट सकते हैं। सब्जियां आप अपने मतलब के हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो।
अब इसके ऊपर हम नमक, पिज़्ज़ा सीजनिंग, वाइट पेपर पाउडर और ओरिगेनो और थोड़ा सा चीज़ ऊपर भी डालेंगे। अब इसको हम तंदूर में रख देते हैं। तंदूर प्री हीटेड है, अब इसको पहले डाउन में रखेंगे, बॉटम वाले में रखेंगे और फिर और थोड़ी देर में फिर इसको हम ऊपर कर देंगे और इसको चेक करते रहेंगे ज़्यादा ना हो जाए। ये हो गया है, अब इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, नीचे से बेस पक गया हुआ, ये यहां से ऐसे चेक करने से पता चल जाएगा। अब इसको हम ये देखिए, अब हमारा ये चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसको इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करिए।